डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पीपल ऑल्सो कॉल मी द साइन मैन ऑफ इंडिया। टुडे आई एम हियर टू गिव यू सम मैसेज विच विल हेल्प यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। यू शुड नो how to handle, not only how to handle success, how to handle the failures, because any task you do, you are to come across problem. Problem should not become the captain of the individual or a project chief. The project chief should become the captain of the problem and defeat the problem and succeed. I am Abdul Kalam. I was born on 15th October in Rameshwaram. I lived in Tamil Nadu. People also called me a missile man. I will made a rocket. Before that, I worked as an aerospace engineer. I am scientist, doctor, teacher and president of India. And let your success make the noise. Abul Pakir General Abdin Abdul Kalam, also known as the missile man of the nation and the people's president, was a great educationalist, the country's most adorable and aspiring citizen, who served as the 11th president of the nation. He was born on October 15th, 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu and died from an apparent cardiac arrest on July 27, 2015, while delivering a speech at the Indian Institute of Management, Shillong, at the age of 83. Due to his humble nature and great personality, he was liked by both the opposition and the ruling party, and that is why he was proudly called the People's President. He was very dedicated towards his teachings, and thus United Nations in 2010 recognized October 15th as the World Students Day. His message, I Will Fly, is a stimulating speech, especially for youngsters. अपनी मेहनत और कौशल से नव भारत को अग्नि पंख लगाए, शोहरत की दुनिया में भी जिसने सादे जीवन के उच्च विचार सिखाए, जो अपने चेहरे की मुस्कान से नफरतों को हर बार हराए, अपने हुनर के दम पर भारत का स्वाभिमान बढ़ाए, अपनी बुद्धिमता से जिन्होंने उन्नति के नए मार्ग बनाए, रामेश्वरम के वो अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहलाए, भारत के मिसाइल मैन कहलाए। नव युग में जिन्होंने भारत को तकनीकी वरदान दिया, जिसके कारण दुनिया ने भारत का खूब सम्मान किया, अपनी प्रतिभा के दम पर वो भारत का अभिमान बने, विज्ञान की दुनिया में वो भारत की पहचान बने, भारत को विश्व शक्ति बनाने के जिन्होंने हमको स्वप्न दिखाए, रामेश्वरम के वो अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहलाए, भारत के मिसाइल मैन कहलाए। हर असंभव को संभव करने की क्षमता रखते थे, हर मुश्किल का वह सदा डटकर सामना करते थे, डरे नहीं वो कभी किसी से, सदा दृढ़ विश्वास दिखलाया, अपना महत्वपूर्ण योगदान ने पोखरण टेस्ट को सफल बनाया, विज्ञान की दुनिया का सूरजमय निरंतर जो प्रकाश फैलाए, रामेश्वरम के वो अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहलाए, भारत के मिसाइल मैन कहलाए। ज्ञान विज्ञान के संगम का प्रण लेकर आगे बढ़ते जाए, विज्ञान के पंखों पर उड़ान भर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। आइए इस महान व्यक्तित्व
व्यक्तित्व को हम सब मिलकर सलाम करें, उनके स्वप्न सभी पूरे हो ऐसा हम सब काम करें। लक्ष्य कठिन है पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना है, भारत को विज्ञान की दुनिया का सिरमौर बनाना है, भारत को विज्ञान की दुनिया का सिरमौर बनाना है।